कई साल से बैटर अभी बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम 5 बजे तक खेलने वाले हैं इस बार और माता जी को प्रसन्न करने वाले हैं और खूब एंजॉय करने वाले हैं 5 बजे तक। हम ये गरबा के लिए 1 साल से तैयारी करते आते हैं, 4 महीना हम लोग गरबा की प्रैक्टिस करते हैं, गरबा क्लास के लिए फिर ऑर्नामेंट्स वगैरह रेडी करते हैं, कपड़ों की तैयारी करते हैं, वो सब तैयारी रहती है। हम लोग हमारे ग्रुप के साथ आए हैं यहाँ पे और बहुत सुबह 5 बजे तक हम लोग खेलने वाले हैं और गरबा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग पूरे साल इन 9 दिनों का वेट करते हैं और हर बार ऐसे ट्रेडिशनल्स पहन के पूरी पूरी रात हम लोग डांस करते हैं, गरबा के स्टेप्स करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मेरा नाम नीशी है, गुजरात गरबा गैलेक्सी से हैं हम और हर साल हम ये गुजरात गरबा गैलेक्सी ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ अलग प्रेजेंट करने के सोच से, कल्चर नवरात्रि प्रेजेंट करने के सोच से। लोगों की भीड़ बहुत, मतलब लोगों की डिमांड है कि और प्लेसेस बने जहां वो कल्चर नवरात्रि खेल सके, जो अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सके वो ऑल 9 डेज। तो हमने 10 दिन का ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सुंदर आयोजन किया है ताकि हम मैक्सिमम लोगों को उनका वो एक्सपीरियंस दे सके कल्चर नवरात्रि खेलने का। हम एवरीडे कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें, जैसे आज हमने एक मंडला थीम फोटो बूथ ऐड किया है, हमारे सिंगर्स पूरा का पूरा जो गरबा सॉन्ग्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नए वर्जन के साथ, जैसे यहाँ नए वर्जन में डाकला हो रहा है, जो हमारे आर्टिस्ट टीम है सिंगर मोनाली दलवी एन जोशी उनकी तरफ से एक शानदार परफॉर्मेंस एवरीडे रहता है और उसमें हर रोज कुछ नयापन रहता है जो लोगों को और लाइक रात के 1:30-2 बजे तक लोग थकते नहीं है और झूमते रहते हैं गरबा की थीम पे। हर रोज गरबा खेलने आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने हमें छूट दिया हुआ है कि आप 5 बजे तक गरबा खेल सकते हो। सो अलग अलग डेज के लिए हम लोगों ने थीम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो हमारी टीम उस थीम के अकॉर्डिंग वर्क करती है और हम यहाँ से प्राइसेस जीत के जाते हैं। थैंक यू सो मच।